आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर कॉपर Cn4-3- कैडमियम Cn4-2- एंड कॉपर Ns3-4-2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयंस। तो हम इनके बारे में जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट करें, कौन सी गलत स्टेटमेंट होगी। तो पहली है, बोथ कैडमियम Cn4-2- एंड कॉपर Ns3-2+ हैव स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो अगर हम देखें तो पहले हम देखते हैं, हमारे पास ए ऑप्शन दिया हुआ है, तो Cn4-2- इसकी ज्योमेट्री देखते हैं, फिर कॉपर Ns3-4-2+ की देखेंगे। तो पहले इसमें देखें तो इसकी जो इसकी मान लेते कैडमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट x, साइनाइड पे चार्ज -1 और 4 है, तो -4=-2, तो x आ गया +2 में। अब कैडमियम की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन वो क्या होती है, 4d10 5s2। तो जब कैडमियम +2 में जाएगा तो ये 4d10 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको दिखाना चाहें तो मैं 4d10, इसका जो d सबशेल वो फुली फिल्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9 और ये 10, ये हो गया 4d10, ये 5s और ये 5p, ठीक है। तो जो साइनाइड जो एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, वो अपने लोन पेयर कार्बोनेट करेगा, एक 5s में और 3 5p में, ठीक है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी, तो ठीक है। और कॉपर Ns3-4 की बात करें, CuNs3-4 तो पॉजिटिव की, ठीक है। अब हमें पता है जो Ns3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है वही हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कॉपर की, तो कॉपर भी 2 पॉजिटिव में हो गया। अब कॉपर की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d10 4s1, तो कॉपर +2 में जाएगा तो 3d9 हो जाएगी, ठीक है। 3d9 हो जाएगी, तो ड्रॉ करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 4s और ये 4p। जो हमारे पास Ns3 है वो एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है, तो जो ये 3d और 4p में जो है एनर्जी गैप को डिक्रीज कर देता है, एनर्जी गैप डिक्रीज, जिसकी वजह से जो एक ये अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमारे पास 4p में एक्साइट हो जाता है, और यहाँ 4p के लास्ट उसमें चला जाता है, ठीक है। 4p में एक्साइट हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये यहाँ पे चला गया, ठीक है, यहाँ पे एक इसका इलेक्ट्रॉन हो जाए, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब जो Ns3 अपने लोन पेयर कार्बोनेट करेगा, एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे और एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, Dsp2, ये स्क्वायर प्लैनर हो गया, ये तो स्क्वायर प्लैनर है, ठीक है। और ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है, तो दोनों अलग अलग ज्योमेट्री के, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन रॉन्ग हुआ। फिर है CuCn4 एंड CuNs3-4-2+ हैव इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखें तो CuCn4-3- का निकाल ले, क्योंकि अगर इसमें देखें CuNs3-4-2+ में, इसमें तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसमें तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हम देखते हैं CuCn4-3-, अब कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, एक्स साइनाइड पे चार्ज हमारे पास -1 और 4 है, तो -4=-3 कॉम्प्लेक्स में था, तो x आ गया +1 में, ठीक है। तो कॉपर की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 3d10 4s1, तो कॉपर +1 में आएगा तो 3d10, देखिए ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3d10 4s और ये 4p। तो जो साइनाइड है वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बोनेट करता है, एक 4s में और 3 4p में, तो ये हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3 और ये टेट्राहेड्रल, ठीक है। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखे तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, क्योंकि सारे पेयर्ड अप हैं, तो इसमें तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर एक कॉपर CuCn4-3- एंड कैडमियम CN4 कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑन पासिंग H2S गैस, तो ये बिल्कुल हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर हम देखें कैडमियम CN4-2- एंड कॉपर CN4-3-, ओके, जब इसमें हम H2S गैस डालेंगे तो हमारे पास फॉर्मेशन करेगा कैडमियम सल्फेट की,
ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास कैडमियम प्लस टू में होता है, ठीक है। अब हम एक चीज देखें तो कैडमियम प्लस टू में बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होता है, क्योंकि कैडमियम प्लस टू में होता है, क्योंकि इसके पास जो हमारे पास फुली फिल्ड कन्फिगरेशन थी 40 टन, तो ये इजिली डिसोसिएट होता है। और यहाँ पे अगर देखें तो कैडमियम टू प्लस एंड सी एन माइनस के आयन प्रेजेंट होते हैं, और जब ये एच टू एस के साथ रिएक्ट करते हैं तो इजिली हमारे पास कैडमियम सल्फेट बना लेते हैं, और वहीं अगर हम बात करें तो ये प्रिसिपिटेट आउट करते हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें अब कॉपर सी एन फोर टू नेगेटिव की, थ्री नेगेटिव की, कॉपर सी एन फोर थ्री नेगेटिव की, तो यहाँ पे जो हमारे पास आयन्स होते हैं वो होते हैं कॉपर प्लस एंड सी एन नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास पीपीटी मिलती है वो कॉपर सल्फाइड की नहीं मिल पाती, क्योंकि यहाँ देखिए तो कॉपर टू पॉजिटिव में होता है, ठीक है। और कॉपर पॉजिटिव में हमारे पास जो कन्फिगेशन होती है वो होती है 3d10, जो कि एक हाईली स्टेबल कन्फिगेशन है, हाईली स्टेबल कन्फिगेशन है। तो जब ये 3d कॉपर प्लस टू में जाना जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड, ठीक है, जब ये कॉपर प्लस टू में जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी टू बहुत ज्यादा हायर होगी, क्योंकि ये अपनी एक फुली फिल्ड, क्योंकि फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन है, यहाँ पे फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन में पता हाईली स्टेबल होती है, तो इसलिए इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी, और कॉपर टू प्लस आयंस हमारे पास इजिली नॉट अवेलेबल। और वहीं हम अगर कैडमियम की बात करें तो कैडमियम प्लस टू में बहुत ज्यादा स्टेबल था, तो वो इसलिए अवेलेबल हो जाता है क्योंकि उसके पास फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन होती है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ हमें कैडमियम सल्फेट की पीपीटी मिलती है, जब इन दोनों मिक्सचर को हम एच टू गैस में पास करवाते हैं, और कॉपर सल्फेट की पीपीटी नहीं मिल पाती है, तो इसलिए ये सेपरेट हो जाते हैं इजिली। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट है। फिर ऑल द थ्री कॉम्प्लेक्स हैव मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू जीरो। अब मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। क्योंकि अगर मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला देखें तो ये होता है म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू, ठीक है, वेयर एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर हम देखें तो अगर सी डी सी एन फोर टू माइनस कैडमियम वाले कॉम्प्लेक्स में बात करें तो इसमें जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। कॉपर एन एस सी फोर में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट होती है रूट ऑफ थ्री, ठीक है। और वहीं अगर कॉपर साइनाइड फोर थ्री माइनस की बात करें, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, इसमें भी जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इन देखें तो इन सबकी कॉम्प्लेक्स की जो है इक्वल टू जीरो नहीं है, दो की जीरो एक की नहीं है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो जो इनकरेक्ट ऑप्शन है इसमें हमारे पास होंगे ए बी डी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।